अभी यूट्यूबर। हाँ दोस्तों, आगे से मेरे दोस्त लोग आ रहे हैं, तो फिलहाल मैं यहाँ पे चढ़ चुका हूँ। देख सकते हो आप कितने ऊपर है, तो आगे से आएंगे, मुझे डराना चाहता हूँ, तो उनका रिएक्शन देखते हैं कैसा लगता है। दोस्तों देख सकते हो आप ये। सो हे व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो आप सब लोग? आए आप सब बढ़िया होंगे, मैं तो मस्त हूँ, स्वस्थ हूँ, अपने काम के साथ व्यस्त हूँ। तो आज का व्लॉग मतलब 9 बजे से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि मुझे भी जाना है धौतरी किसी काम से, तो इसलिए। और सुबह मैं जल्दी नहीं उठाता, मतलब 9 बजे उठाता मैं भी, मतलब थोड़ी देर पहले उठाता, 8:50 पर मैं 9 बजे बोल रहा हूँ। तो रात को मैंने ब्लॉग अपलोड किया था, तो इसलिए लेट उठाऊँ आज, तो इसलिए लेट में ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है। तो फिलहाल चलते हैं अभी धौतरी की ओर। और यहाँ पर दोस्त रुका है अभी, धनिया को अपने छान में जा रहा है, भैंस को पानी पुनी पिलाने, तो फिलहाल चलते हैं अभी। तो दोस्तों अभी पहुंच चुका हूँ मैं सड़क पे, और सड़क मतलब एकदम सुनसान हो रखी है, अभी यहाँ कोई नहीं चला रहा, मतलब गाड़ी वाड़ी आप देख सकते हो चारों तरफ, मतलब यहाँ तो कुछ आवाज ही नहीं आ रही गाड़ी की। और यहाँ से नदी की साउंड आ रही, मतलब यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ से नदी टाइप की एक है, मतलब नदी है, नदी टाइप की नदी है, तो उसका साउंड आ रहा है एकदम, मतलब मस्त उसकी आवाज है। वो पानी की आवाज जैसी आती है, तो वैसी आ रही है। तो मतलब आज ठंडी ठंडी हवा चल रही है, और पानी की आवाज, और गाड़ी मतलब चल ही नहीं रही है आज, मतलब पैदल ही जाना पड़ेगा। तो देखेंगे जहाँ पर गाड़ी मिलेगी वहाँ पर गाड़ी ले लेंगे, चलते हैं अभी धौतरी की। दोस्तों आगे से मेरे दोस्त लोग आ रहे हैं, तो फिलहाल मैं यहाँ पे चढ़ चुका हूँ, देख सकते हो आप कितने ऊपर है, तो आगे से आएंगे, मुझे डराना चाहता हूँ, तो उनका रिएक्शन देखते हैं कैसा लगता है, और आपको भी दिखाते हैं। दोस्तों देख सकते हो आप ये क्या रिएक्शन था। तो दोस्तों आपने रिएक्शन देख लिया होगा, मैं वहां चढ़ रखा था वहां पे, मतलब इतनी जल्दी डर गए यार। उन्होंने मैंने एक आवाज मारी भी थी संदीप के लिए, उसने सुन भी लिया था, उसने सोचा था कि कोई मिस्त्री है, फिर मैं वहां चुप गया था, तो मतलब मैं एकदम से कूदा और डर के रहे। तो फिलहाल चलते हैं धौतरी की ओर। तो दोस्तों यहाँ से सिर्फ धौतरी 1 किलोमीटर है, तो फिलहाल अभी 1 किलोमीटर चलना है हमें, तो थक तो लग रही है। मैंने वहाँ पे मतलब जब मैंने डराया था वो डर के रहे, तो मतलब उस टाइम से थोड़ा हंसी आ रही है, उन्हें देखकर वो भी हंसने लग गए थे, मतलब उन्होंने आवाज़ भी सुन ली थी, वो फिर उन्होंने सोचा पता नहीं कौन है। तो अभी तो यहाँ से 1 किलोमीटर है, तो दिख रहा होगा आपको एक ही बाइक दिखी है अभी तब से, वो भी ऊपर से ले गई है। तो चलते हैं अभी आराम से धौतरी, देखते हैं धौतरी हमारे कितने सब्सक्राइबर फैन फॉलोइंग, देखते हैं आज धौतरी की, और आपको भी दिखाते हैं। तो दोस्तों फाइनली पहुंच चुका हूं मैं धौतरी में, और देख सकते हो आप धौतरी में कुछ ऐसा है, और यहां पे एक ट्रक हो रखा है खड़ा, राजा जी लिख के। तो ऐसा ट्रक नहीं करना चाहिए हर जगह पे खड़ा, देख सकते हो आप यहाँ पे, अगर 2 बस आ गई तो ट्रक मतलब वहाँ पे डिस्टर्ब करेगा, क्योंकि यहाँ से 2 बस तो हो नहीं सकती क्रॉस, इसलिए वहाँ पे ट्रक खड़ा कर रखा है कि मतलब हुई ना, मतलब बड़ी मुश्किल से तो कहीं पे जैसे जाम जुम लगता है बड़ी बड़ी बसों का, तो इसलिए ट्रक रोड पे ऐसे खड़ा नहीं करना चाहिए। जैसे यहाँ पे एक कार कर रखी UP15P, पर उसके बाद नंबर ही नहीं है, 5282 नंबर है। तो फिलहाल चलते हैं अभी नीचे पे और दिखाते हैं आपको धौतरी में क्या क्या है। तो दोस्तों फिलहाल पहुँच चुका हूँ मैं अभी धौतरी में, और अभी जा रहा हूँ मैं नीचे वाले मार्केट में, क्योंकि एक ऊपर है एक नीचे है, तो फिलहाल चलते हैं यहाँ पे और देखते हैं कितने लोग मिलते हैं यहाँ पे आज। आज मतलब लग दिन रहा है, मतलब सबका जिनका पेपर है वो पेपर देने जा रहे हैं अभी, और जिनका पेपर नहीं है वो घर ही पे हैं, तो देखते हैं अभी कितने लोग मिलते हैं यहाँ पे। यूट्यूबर हाँ। तो दोस्तों थोड़ी देर पहले पहुंच चुका था मैं धौतरी में, और अभी आ रहा हूं मैं यहाँ पे भैया की दुकान पे, तो यहाँ पे आपको देख सकते हो सारे फोन उपलब्ध मिलेंगे अगर आपको आना है तो। यहाँ पे ये दुकान गाजेंद्र भैया की है, तो यहाँ पे देख सकते हो आप, अभी मैं सीख रहा हूँ यहाँ पे एडिटिंग, यहाँ पे फोटोशॉप ऐप है एक एडोब फोटोशॉप 7.0, तो यहाँ पे सीख रहा हूँ मैं अभी एडिटिंग, तो आपको भी दिखाते कैसे करते हैं एडिटिंग। तो पहले कोई इमेज निकालते हैं, तो पहुंच चुका था मैं भी वैन पे, अब हम अभी मतलब बाइक पे आए हैं, मामा के चौना गाँव के मेरे मामा हैं, तो मैं उनकी बाइक पे आया हूँ धौतरी से। तो फिलहाल काफ़ी टाइम हो चुका है, मेरी तो मम्मी का कॉल भी आया था कि मतलब गाय भैंस को पानी पिलाने जाना है, तो अभी तो मैं घर पहुँचा नहीं हूँ, अभी तो बहुत दूर है हमारा घर, अभी तो मैं यही रास्ते में चल रहा हूँ, अभी वैन पे वहाँ पे है और अभी रास्ते पे पहुँचा हूँ। तो फिलहाल जल्दी जल्दी चलते हैं, क्योंकि भैंस को बहुत ज़्यादा प्यास लगी होगी, गाय को बहुत ज़्यादा प्यास लगी होगी, तो इसलिए जल्दी जल्दी चलते हैं फिलहाल अभी घर की ओर। पहुंच चुका था मैं घर पे, और अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए अपने छान में, मैंने कपड़े भी नहीं उतारे हैं,
और घर हमारा पीछे दिख रहा होगा आपको, मतलब इतने ही सरल पे है यहाँ से, थोड़ा सा आगे जाने हैं। और तो छान से पहले गाय भैंस को पानी पिला के लाते हैं, उसके बाद कपड़े चेंज करेंगे बस, और कुछ काम होगा तो काम करेंगे, उन एडिटिंग पे लग जाएंगे। तो चलते हैं फिलहाल अभी छान की ओर। तो दोस्तों पहुंच चुका हूं मैं अपनी छान में, और देख सकते आप ये हमारा है गाय का बच्चा एकदम मस्त। और यहाँ पे गाय सबको मैंने नया नहीं मार दिया है, पराल बोलते हैं इसका नाम। तो पानी पूरी पिला दिया और इतना पानी उन्होंने पिया नहीं, तो अब चलते हैं घर की। और कुछ मैं भूल तो नहीं गया हूँ, कुछ नहीं भूला हूँ, देख सकते हो आप ही हमारे दो चार दिन हमारे। तो फिलहाल चलते हैं हम घर की और, अरे भाई साहब यहाँ तो गेट लगा के आराम से जाना पड़ेगा। तो चलो चलते हैं घर की और, क्योंकि पानी पूरी पिला लिया, मम्मी के लिए मैंने कॉल कर लिया था कि क्या क्या देना था नया खाने में, मतलब तो मम्मी ने बोला कि चार पूरी पर्याड देना, पर्याड पड़ा पराड देना, मतलब सॉरी गाइस सॉरी, कभी कभी इधर उधर भटक जाता हूँ मैं। चलता फिलहाल अभी घर की ओर। तो दोस्तों पहुंच चुका था मैं अपनी छांद सीधे घर, तो अभी मेरी तैयारी थोड़ा गांव की और घूमने के लिए, और दोस्त का कॉल आया था कि आजा, तो थोड़ा बैठ रहता है, अभी धूप भी लग रही थी मस्त, मतलब शाम को बारिश हो सकती है इसलिए, और मैं जस्ट मुंह धुला था आराम से, सुकून मिला, ठंडा ठंडा सा फीलिंग, ठंडी ठंडी फीलिंग, ठंडा ठंडा मौसम, गरम गरम मौसम के साथ ठंडी ठंडी फीलिंग। तो फिलहाल चलते हैं अभी गाँव में। स्वागत है गाँव में, और यू थोड़ा आसमान चेंज हो चुका है, देख सकते आप धूप चले गई है और यहाँ पे कितना बड़ा बादल आ चुका है, इसलिए मैं चाह रहा हूँ घर, क्योंकि बारिश हो सकती है इसलिए। तो चलते हैं फिलहाल घर की ओर एकदम फुल पावर। तो दोस्तों अभी खेल रहे हैं यहाँ पे गेम, ये देख सकते हो आप, देख सकते हो आप ये इतने सारे, मैं भी खेल रहा हूँ उनके साथ, तो दिखाता आपको इस गेम को कैसे खेलते हैं। तो यहाँ से इसे फेंकना है, और अगर इसमें चले गया तो ये रुपये उसका हो जाएगा, और यहाँ पे लग चुकी है तो रुपये उसका हो चुका है। तो फिलहाल मैं भी खेल रहा हूँ, अभी दिखाते हैं आपको कैसे खेलते हैं। तो अभी मेरी चांस है इसे फेंकने की, फेंकते हैं, और आप देख सकते हो यहाँ पे यहाँ पहुँच चुका है ये इस इतने डिस्टेंस पे, तो देखते हैं अभी कैसे होता है। तो दोस्तों आ चुका था मैं घर, और मैंने अभी खाना खा लिया है, तो फिलहाल फिर से चलते हैं एक बार गांव में, मतलब आज से थकानी लग रही है क्योंकि अब धूप भी चली गई, देख सकते हो आप आज बारिश नहीं हो रही, ये सबसे अच्छी बात है। तो फिलहाल यहाँ ताले तूले लगाते हैं, कुछ देखता हूँ अंदर, कुछ भूला तो नहीं, कुछ नहीं भूला हूँ यहाँ पे, आज से स्टैंड ले जाऊँगा नहीं मैं, फुल पावर लग रहा हूँ, चलते फिलहाल अभी। तो दोस्तों चाबी चुबी एकदम मैंने फिर लगा दी एकदम फुल पावर में, तो फिलहाल चलते हैं अब गाँव में, और करेंगे जो भी है पाव कैसे करते हैं हम करेंगे। तो चलते हैं फिलहाल अभी गाँव में, दिखाते हैं आपको भी गाँव में भी कैसे, मतलब गाँव में एक बात तो है, बोर जरूर हो रहे हैं, बोर तो घर पे हो रहे हैं, बोर गाँव में नहीं होते, गाँव में होते क्यों नहीं पर घर पे होते, जब दोस्तों के साथ घूमने जाना तब कहीं बोर नहीं होते। तो फिलहाल चलते एकदम फुल पावर में घूमने गाँव में।